नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में पीड़ित की भूमिधरी को जबरन कब्रिस्तान की भूमि में शामिल कर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए जहानागंज थाना अंतर्गत बढ़लगंज गांव निवासी ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने जानमाल की सुरक्षा के साथ साथ उसके हिस्से की जमीन को वापस उस पर कब्जा दिलाए जाने की मांग किया है। DM को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में तहसील सदर के बढ़लगंज गांव निवासी मार्कंडे जायसवाल पुत्र स्वर्गीय केशव जायसवाल ने बताया कि अभिलेखों में पीड़ित के नाम हमारी जमीन दर्ज है। सरकारी दस्तावेज में यह भूमि गांव के मुस्लिम कब्रिस्तान के बगल में स्थित है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि रोजगार के सिलसिले में जब वो दिल्ली गया हुआ था तो सपा शासनकाल में जबरन एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा उसकी जमीन को कब्रिस्तान में घिरवा लिया है, जो अन्याय है। पीड़ित ने बताया कि जब वो अपने हिस्से की जमीन को कब्रिस्तान में शामिल किए जाने की बात की गई तो उसे जान माल की धमकी दिया गया। पीड़ित ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को शिकायती पत्र सौंप कर घाटा संख्या 152 रकबा 22 को अपनी भूमिधरी बताते हुए कब्रिस्तान से अलग कराकर वापस लाए जाने की मांग किया है। हमारा नाम मार्कंडे जायसवाल, ग्राम बढ़लगंज, थाना जहानागंज, सदर आजमगढ़। क्या समस्या है आप यहाँ आए? समस्या हमारी जमीन का है, 2 बीघा जमीन है और मुसलमानों ने कब्रिस्तान में घेर दिया। तो आप चाहते क्या हैं? हमारी जमीन मिल जाए हमको, हम यही चाहते हैं। अप्लीकेशन दिया आपने DM साहब से, कुछ बात तो हुई है? अप्लीकेशन DM साहब को हमने दी। कुछ कहे हैं? कहें कि इस पर कार्रवाई होगी।